कोरोना वायरस को लेकर मंडी जिला के लोग काफी हद तक जागरूक नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कार्यालयों को छोड़ खुद फील्ड में उतरकर लोगों को जागरूक करने का काम भी शुरू कर दिया है। उपायुक्त मंडी अकेले ही मंडी शहर की सड़कों पर उतरे और लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे सहयोग की अपील की। उपायुक्त मंडी ने लोगों से यही आह्वान किया कि वे अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना करें और जितना संभव हो सके घर में ही रहें। वहीं लोग भी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है और अधिकतर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हालांकि ये वो दुकानें हैं जिनके बंद होने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरत के सामान वाली सभी दुकानें खुली नजर आईं। मंडी शहरवासी अनिल शर्मा ने बताया कि लोग सिर्फ जरूरत का सामान लेने ही बाजार आए। ऐसा है, ये जो कोरोना वायरस के बारे में जो आजकल प्रशासन भी सतर्क है, सरकार भी कर रही है, इसके बारे में जो है जो हमारे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी मार्केट में इसलिए आ रहे हैं कुछ जरूरी सामान लेके, जैसे मैं आज आया हूँ सब्जी लेने आया हूँ। लोग भी इस बारे में अवेयर हैं और जगह जगह इसका व्हाट्सएप के ऊपर फेसबुक के ऊपर मैन टू मैन आ रहे हैं और काफ़ी मतलब लोग सरकार के इस फैसले से बड़े खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रधान राजेश मृदेंदु ने बताया कि अफवाहों के कारण लोग भारी मात्रा में राशन और खाने पीने की अन्य वस्तुओं का संग्रहण करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से प्रदेश को जो भी सप्लाई आती है वो निरंतर आ रही है। ऐसे में लोग पैनिक ना हो और आपात स्थिति में सरकार व प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। लोगों ये सच्चाई है, लोगों में पैनिक ज्यादा हो गया है। मेरा लोगों से अनुरोध यह है, बाजार में हर एक चीज अवेलेबल है, स्टॉक की कमी कोई नहीं है। दिल्ली और चंडीगढ़ से माल जो है कंटिन्यू रोज गाड़ियां आ रही है, जितनी हम लोगों की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसकी शॉर्टेज मार्केट में है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा पैनिक में मत लोग आए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो सामान लें, सामान अवेलेबल मार्केट में है। और मेरा अनुरोध रहेगा, कल मोदी जी ने कहा है भी कल बंद रहेगा, तो सिर्फ हमारा एक केमिस्ट जो दवाइयों की दुकान का लोग खुली रहेगी, बाकी मेरा सभी शहर वासियों व्यापारी भाइयों का अनुरोध है कल अपना अपना कारोबार बंद रखें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज 23 मार्च 2020 को सुबह सुबह फैसला लिया है कि हिमाचल में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा। इस लॉकडाउन का जो अर्थ है वो कोरोना वायरस को लेकर है, जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि लोग अपने घर में रहे, कम्युनिटी में कम से कम लोग आए, इसलिए ये लॉकडाउन का जो है वो फैसला लिया गया है। इस लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ जो आवश्यक चीज़ें हैं वही जिला मंडी में चलेगी, जो भी अनावश्यक रूप से है वो दुकानें या बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स है वो सब बंद रहेंगे। लोगों से भी आग्रह है कि अनावश्यक चीज़ों के लिए बाहर ना आए, वो उनको घर पे ही रहना पड़ेगा। इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बेसिकली खाने के आइटम्स हैं, तो खाने के आइटम अगर खरीदनी है जो कि ग्रोसरी है, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए लोग आ सकते हैं। दुकानें भी किराने की और इस तरह की सभी दुकानें पूरी तरह से इसमें खुली रहेंगी, लोग आके जब कभी चाहे उसको लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर केमिस्ट के पास आना है तो केमिस्ट के लिए जो है वो अलाउड है, लोग बाहर आ सकते हैं, केमिस्ट से अपनी दवाई ले जा सकते हैं। अगर लोगों ने हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं अपने इलाज के लिए। इन तीनों चीज़ों के अलावा और भी किसी कार्य के लिए लोग बाहर नहीं आ सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। साथ ही साथ गाड़ियों का भी उपयोग इन चीज़ों के लिए इस दौरान नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर केमिस्ट के पास या हॉस्पिटल में जाना है तभी आप गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स का। इसके अलावा आप प्राइवेट व्हीकल्स का उपयोग नहीं कर सकते। सभी प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस पीरियड में सरकार ने पिछले कल से ही बंद की है, तो कोई भी टैक्सी, ऑटो या बाकी जो बसेस हैं वो नहीं चलेंगे। जो इसेंशियल सर्विसेज है जिसमें कि ग्रोसरीज हैं और बाकी सब चीज़ें, खाने के आइटम्स जो कि अनकुक्ड फूड है, वो सब चीज़ों के लिए सप्लाई भी चलता रहेगा। उसके लिए जो पीछे से गुड्स आने हैं उसके लिए भी अलाउड है, वो व्हीकल्स भी आ पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं
वो भी खुले रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं और इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी खुली रहेगी। इसके अलावा बाकी सभी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जिला मंडी में आज से बंद होंगे। कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि दूध के बारे में क्या होगा। तो दूध जो है वो एक इसेंशियल कमोडिटी में है और दूध से रिलेटेड सभी चीज़ें वो सुचारू रूप से जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। दूध का आने का भी, घर तक पहुंचने का भी, उसका कलेक्शन का, वो सभी चीज़ें जो दूध से संबंधित है वो जो जो नॉर्मल चलती है उसी तरीके से वो चलती रहेगी।